सुपरमैन हमारा परमानेंट जा रहा है और भाई मेरे सुपरमैन लव यू। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और टाइम हो चुका है भाई सुबह के 7:45, निकल रहे हैं जयपुर के लिए। जयपुर क्यों जा रहे हैं ये आपको मैं सब रास्ते में बात करता हूँ चलूँगा कि भाई क्या काम है क्या नहीं है। तो बहुत ऑलरेडी लेट हो चुके हैं अपन, 7 यहीं बज चुके हैं और अंकित अभी भी 15-20 मिनट और लगाएगा बिकॉज उसकी फैमिली कहीं जा रही है तो वो उनको ड्रॉप करने के लिए जा रहा है। तो बोल रहे भाई 10-15-20 मिनट और रुको प्लीज़। तो मैंने कहा ठीक है भाई जल्दी से आ जा, तो वो आ जाए फिर उसके बाद निकलते हैं जल्दी से, फिर आपको मिलते हैं सीधा GoPro पर। सो गुड मॉर्निंग जी सारेनु। तो भाई अभी अपन निकल चुके हैं भरतपुर से जयपुर के लिए, सर्किल पे चलते हैं, वहाँ धर्मेंद्र पे हमारे साथ चल रहे हैं। और आप सोच रहे होगे कि अपन इसको ब्लैक मॉन्स्टर को कहाँ लेके जा रहे हैं पूरा पैनियर वैनियर लगा के, तो भाई ये बहुत बड़ा चेंजेस करने वाला हूँ। और सुपरमैन हमारा परमानेंट जा रहा है और अपनी बेबी में कुछ चेंजेस कराने हैं ब्लैक मॉन्स्टर में। तो अभी चल रहे हैं जयपुर, बाकी बातें जो हैं वो धीरे धीरे चलती रहेंगी, बताते रहेंगे आपको जी अपनी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है अपने इस बीच में, क्या प्लानिंग कर रखी है अपन ने। तो बस साथ में जुड़े रहिएगा, सब कुछ पता लगता रहेगा धीरे धीरे करके। तो अभी के लिए चलते हैं सेवर सर्किल, वहाँ जा रहे हैं धर्मेंद्र भैया, बैठ के मारेंगे भाई एक एक सुबह की चाय, देन निकल जाएंगे वहाँ से सीधा जयपुर। सो भाई फाइनली अभी अपन पहुँच चुके हैं सेवर, चाय वाय पी ली है यहाँ पर, धर्मेंद्र भी आ चुके हैं, अंकित जा रहे हैं हमारे साथ। जय बाबा दी, मेहर करना, जय माता दी। अब पहला सीधा स्टॉप लेंगे हम यहाँ से दौसा, दौसा में है एक अपने नॉन बहुत अच्छे जहाँ हम रुकते हैं, हर बार रेडबुल वगैरह पीते हैं। और आज हमने भाई ब्रेकफास्ट पॉइंट भी चेंज कर दिया है, तो ब्रेकफास्ट पॉइंट पे सीधा मिलेंगे अभी अभी मतलब रास्ते में कुछ चीज़ आएंगी तो बात बात करते हुए चलेंगे। बाकी जो पहला स्टॉप है वो हमारा आज दोसा का ही होने वाला है क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, 8 यहीं बज चुके हैं। तो विदाउट एनी लेट निकलते हैं सीधा जयपुर के लिए। तो पहले अपन रुकेंगे भाई यहाँ से महुआ जाके क्योंकि अंकित और धर्मेंद्र भी रह जाएंगे पीछे, तो मेरे को भी एक यार एनर्जी की ज़रूरत है तो वहाँ एनर्जी ले लेंगे अपन रेडबुल से। एंड देन अपन रुकेंगे सीधा भाई ब्रेकफास्ट के लिए दोसा के अंदर, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फेमस है सुना हुआ है और मैंने ट्राई भी किया हुआ है। तो फिर वहाँ रुकेंगे, क्या ब्रेकफास्ट करने वाले हैं ये आपको वहीं एक सरप्राइज़ है थोड़ी देर के लिए, वहाँ पहुँचने के बाद ही बताएंगे आपको। तो भाई अभी के लिए ना सीधा चल रहे हैं महुआ, महुआ के बाद जाएंगे जी सीधा जयपुर, जयपुर आई मीन दोसा, दोसा के बाद जाएंगे सीधा जयपुर। भाई उस दिन ना व्लॉग बहुत सही बना था यार, बट क्या करूँ मतलब दिमाग ख़राब हो गया था यार उसी दिन, और दिमाग इसीलिए ख़राब हुआ था भाई क्योंकि GoPro टूट गया था। देन उसके बाद चलो कोई बात नहीं, GoPro टूटा यार बट वो व्लॉग तो निकल जाता, बट उस व्लॉग में यार स्टेबलाइजेशन नहीं था, वीडियो बहुत लूप कर रही थी, हैंग हो रही थी, ग्लिच कर रही थी, और भाई वॉइस का तो दूर दूर तक उसमें नामो निशान ही नहीं था। तो होप करता हूँ ये इसमें वॉइस सही आ रही होगी अभी के लिए क्योंकि कल रात को थोड़ा बहुत इसमें ट्रीटमेंट किया है मैंने, मुझे नहीं पता अभी कैसा है कैसा नहीं है भाई, वो तो वापस अब घर पहुँचूंगा उसके बाद ही पता लग पाएगा। बट जैसा भी है ना भाई यार प्लीज़ कॉम्प्रो कर लेना थोड़ा बहुत अगर आवाज़ को लेकर किसी चीज़ को लेकर इशू आ रहा हो तो। और आज भाई जहाँ तक है इसका जुगाड़ पानी कर ही देंगे, तो वहाँ पहुँच के एक बार भाई दिखाते हैं कि हो सकता है नहीं हो सकता, क्या होगा, कितने रुपये लगेंगे, जो भी है खर्चा होगा भाई जो होगा सर पे लिख के आया है, तो कोई बात नहीं जी जैसा किस्मत में लिख के आया है वही होना है। सो भाई लोगों फाइनली अभी महुआ आने वाला है, महुआ अभी यहाँ से रह गया है भाई 8-9 किलोमीटर के अराउंड, तो वहाँ रुक के भाई एक रेड बुल तो बनती है अपनी। तो वहीं रुकेंगे भाई, रेड बुल शेड बुल मारेंगे आराम से, फिर मज़े करते हुए निकलेंगे जयपुर। और रास्ते में भाई एक दो जगह काम भी है और जयपुर में तो खास करके 2-3 जगह जाना है, तो इसलिए मैं दोनों बाइक लेके आया हूँ यार, और दोनों में काम भी था। एक तो बेचारी जा ही रही है परमानेंट, बाय मेरे सुपरमैन लव यू। भाई आप लोग सोच रहे होगे सुपरमैन कहाँ जा रहा है, तो भाई इसका एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है और ये सरप्राइज़ प्लीज़ मेरे को कमेंट करके सोच के बताना अपन क्या करने वाले इसके साथ, कहाँ जा रही है बेचारी, बेच तो दी, अब कौन सी आने वाली है ये भी सोच के बताना भाई प्लीज़ से ध्यान से बताना।
कि सुपरमैन जा खा रहा है बेचारा। ये भी आया था धर्मेंद्र भैया का कॉल, पूछ रहे थे भाई पॉल्यूशन कराना बहुत जरूरी है, तो मैंने कहा हाँ जी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चालान है इसके ऊपर 5,000 रुपीज का राजस्थान के अंदर, तो भाई तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेने। ये भूसा का हो रखा है बट दोनों हिमालयन का होना है, तो वो करवा के अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, तो उनका करेंगे अपन वेट। तो बस थोड़ी देर में कोई दिक्कत नहीं है जी, अभी अपन महुआ रुक जाएंगे जब तक, और मैंने उनको बोल दिया कि भाई जयपुर से पहले अपन करवा देंगे पॉल्यूशन, बट तब तक के लिए कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ आप। माउंट का भी है ना दिक्कत आ गई है, माउंट बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, ये गोप्रो वाला ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसकी भी भाई जयपुर पहुँच के जुगाड़ करते हैं, बट रिसेंट के लिए अभी के लिए टेम्परेरी इसकी जुगाड़ मैं यहीं पर करूँगा जहाँ रेडबुल पीऊँगा, क्योंकि ये जितना हिल रहा है तो मेरे को डर लग रहा है कि ये दोबारा से ना गिर जाए, क्योंकि एक बार चोट खा चुका हूँ तो ये ना हो कि ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। ना 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 भाई, अपन सोच भी नहीं सकते ये सब चीज़, कोई नहीं अपन इसका भाई करते हैं जुगाड़ कुछ ना कुछ। भाई लोगों पहुँच चुके हैं अपन खंडेल वाल पर, यहीं एक ऐसे स्टॉप है भरतपुर के, दो स्टॉप जो भरतपुर जयपुर के हैं, एक यहाँ पर और एक दौसा वाले जो भी हैं वहाँ पर, ये दो जगह रेडबुल मिलती है, बाकी और जगह नहीं मिलती, और ना मैंने ट्राई किया यार। भाई लोगों मुझे लगता है किस्मत ठीक नहीं है, अभी देखो इसमें मैंने क्या क्या जुगाड़ करी है, बट ये फिर भी बहुत ज़्यादा हिल रहा है, तो डर है भाई गिर ना जाए, तो इसलिए अभी ये मेरे को रिमूव करना पड़ेगा, तो आगे का फुटेज शायद मुश्किल मिल पाएगा। बट इसका जयपुर पहुंच के करण भैया की दुकान पे जाके, करण भैया की शॉप पे जाके इसकी जुगाड़ करते हैं, बट अभी के लिए इसको रिमूव करते हैं। तो अब सीधा मिलता हूँ आपसे मैं सीधा दौसा पे जाके, दौसा में जहाँ अपन ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, क्या ब्रेकफास्ट करने वाले हैं आज सब आपको बताते हैं। तो फाइनली अभी इसको निकाल के रखते हैं पॉकेट में, क्योंकि ये गिरने का बहुत ज़्यादा डर है, तो अब रिस्क ले नहीं सकता, क्योंकि कल भी बहुत रिस्क लेके मैंने काम कर लिया बट उसमें नुकसान हो गया, तो इससे ज़्यादा मैं नुकसान नहीं चाहता, तो इसको पॉकेट में रखते हैं और फिर निकलते हैं ऐसे। भाई आज की जो लोकेशन है ब्रेकफास्ट की वो है कमलेश भैया की शॉप, ये है भाई कमलेश कचौड़ी वाला, ये आपको मिलेगा भाई दौसा पे, जयपुर से जैसे ही आप दौसा के लिए जाएंगे तो बाईपास पे पड़ेगा, और भाई यहाँ की कचौड़ी वो जो है बहुत फेमस है। फाइनली अभी पहुँच चुके करण मोटोमार्ट जयपुर, और बाइक दोनों दे दिए करण भैया को, अभी करण भैया की गाड़ी लेके जा रहे हैं, छोटा मोटा काम करना है, दिखा नहीं सकते अभी कि क्या करवा रहे हैं क्या नहीं करवा रहे, जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बताएंगे कि अपन ने भूसा में क्या करवाया और हिमालयन में क्या करवाया है, तो अभी चलते हैं काम करने के लिए। पहले सोच रहे हो कि भाई हायाबूसा से हिमालयन पे कहाँ आ गए, तो भाई वो ऐसे आ गए, हिमालयन में कुछ करवाना था काम और भूसा में भी कुछ काम करवाना था, भूसा में बहुत बड़ा चेंजेस आने वाले हैं, तो वो भूसा अपन दे के आ चुके हैं, उसको लेने आएंगे करीबन 15 दिन बाद, और भाई हिमालयन पे अभी हम वापस निकल रहे हैं भरतपुर के लिए, तो अभी चल रहे हैं भाई मालवीय नगर से जगतपुरा, तो जगतपुरा में रहता है मेरा एक्चुअली कज़िन, तो उससे थोड़ा मिलना है, एक सामान है उसको देना है, और वहाँ से निकल जाएंगे सीधा भाई भरतपुर के लिए। जिस काम के लिए आए थे ना जयपुर वो काम नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो कोई बात नहीं जी अगली बार आएंगे फिर से वो सारा काम करवा लेंगे जो अपना काम रह गया है। तो अभी भाई जा रहे हैं ऐसे जगतपुरा, जगतपुरा से निकल जाएंगे सीधा भरतपुर के लिए, तो ज़्यादा बैटरी है नहीं वैसे तो अपने गोप्रो में, बट जितना भी होगा उतना फुटेज आपको दिखाने का ट्राई करूँगा। भाई ये रोड थोड़ा आगे थे हम गलत, पता नहीं गूगल बाबा कहाँ कहाँ ले चुके जा रहे हैं, ओ भाई ऑफ रोडिंग हो गई यहाँ तो। भाई यहाँ तो ऑफ रोडिंग हो गई है अपनी, तो भाई टाइम हो चुका है अभी 7:30 और अभी निकल रहे हैं यहाँ से जगतपुरा से, भाई पहुँचते पहुँचते मजाक से हटके 11 बज जाएंगे, और घर से भी मुझे लगता है डायलॉग पढ़ ही जाएंगे आज, बट कोई बात नहीं भाई क्या करें, अब टाइम लग गया तो लग गया, बट काम भी नहीं बना, और एक काम बन गया बट एक दो काम नहीं बने, बट कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम बन जाएगा जो भी होना होगा। तो भाई ये है जयपुर का बैक रोड जिसको बोलते हैं भाई जगतपुरा रोड डायरेक्ट, और ये आपको जयपुर से पहले ही लेफ्ट टर्न मिल जाएगा इसका बाईपास होते हुए, तो भाई वैसे अपन इस रोड से आते जाते नहीं है क्योंकि ये रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट क्या करें हम यहाँ इतनी दूर आए थे तो सोचा यहीं से निकल जाते, पास पड़ेगा, अगर वहाँ से जाते तो पहले सिटी क्रॉस करनी पड़ती, मतलब ये मान लो कि मोटा मोटा एक घंटा भाई और लग जाता। तो भाई अभी आने वाला है बस एक सेकंड में, यहाँ से आगे से करना है अपने को राइट टर्न, धर्मेंद्र भैया का कर रहा हूँ वेट, कहीं वो रास्ता ना घूम जाए कहीं और, फिर निकलते हैं अपन सीधा जयपुर हाईवे पे, हाईवे पे पहुँचने के बाद तो भाई सीधा निकलना है बिना रुके, और ये लो जी अपना आ गया है ये भरतपुर जयपुर हाईवे NH-21।
सो भाई लोगों अभी आने वाला है दोसा। दोसा सिटी है यहाँ पर जयपुर आगरा हाईवे पर। तो बस यहाँ से अभी रह गया भाई 20 किलोमीटर, चल रहे हैं बात बात करते हुए मैं और धर्मेंद्र भैया इंटरकॉम से। बाकी भाई अभी तो प्लानिंग कर रहे हैं दिसंबर की लॉन्ग राइड की, बहुत लॉन्ग राइड होने वाली है, बहुत लंबी वाली राइड होने वाली है वो। एनीवेज गाइस, आपको कल वाला व्लॉग कैसा लगा और आपको इन्फॉर्मेशन समझ आई नहीं आई गिव अवे को लेके, तो प्लीज़ मेरे को बताओ। अगर समझ आ गई है तो भाई जान जाके जल्दी जल्दी से करो, क्योंकि गिव अवे का टाइम से मैंने बोला था 24 आवर्स, और बहुत कम सब्सक्राइबर बढ़वाने हैं आपको, 68 सब्सक्राइबर्स की नीड है। तो बस जल्दी से जाओ बढ़वाओ, और जल्दी से भाई जितना जल्दी आप करोगे इधर उतना जल्दी मैं भी करूँगा, फिर जल्दी जल्दी से कर देते हैं गिव अवे। तो हाँ भाई, सिर्फ और सिर्फ 68 सब्सक्राइबर्स की नीड है, तो जाके उसको कंप्लीट करो फॉर जल्दी जल्दी से, और देन करते हैं गिव अवे। और आज भाई सबसे बड़ी बात बताऊँ, मैं घर से निकला हूँ और गिव अवे घर पे आ चुका है। तो भाई गिव अवे को भाई जाके मैं भी देखना चाहता हूँ, और स्टोरी डालूँगा उसकी, एक वीडियो भी बनाऊँगा आप लोगों के लिए कि भाई अनबॉक्सिंग मैं कर रहा हूँ। बट प्रॉपर अनबॉक्सिंग तो भाई देखो सामने वाला ही करेगा, जो भी वो लकी विनर होगा। तो जल्दी जल्दी से बस बने रहो मेरे साथ, और भाई जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओ, जिससे करते हैं गिव अवे बहुत जल्दी जल्दी, सून एज सून पॉसिबल। भाई चलते चलते मेरे को और धर्मेंद्र भैया दोनों को आ रही है सुस्ती, तो धर्मेंद्र भैया बोल रहे हैं थक चुके हैं, अभी कहीं रोक के आ गए तो चाय वाय पीते हैं। तो भाई अभी पहुंच चुके हैं अपन सीधे दोसा पर, और चाय का ब्रेक लिया था, चाय अपने हाथ में है, क्यों मेरे को और धर्मेंद्र भैया दोनों को बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, तो मैंने कहा भैया अब चाय की सख्त ज़रूरत है, चाय ले ली जाए। तो भाई चाय पी लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं आपसे सीधा फोटो। तो जी महुआ सर्किल पे पहुंच चुके हैं, धर्मेंद्र भैया का कर रहा हूँ वेट, इसलिए धीरे धीरे चल रहा हूँ, और फिर पियेंगे भाई खंडेलवाल, अपना फेवरेट एक रेस्टोरेंट है, आपने देखा ही है कई बार हम यहीं रुकते हैं। सुबह भी मैं यहीं रुका था जाते वक्त, जब अपना माउंट हटाया था तो मैंने यहीं से हटाया था अपना माउंट, तो यहाँ रुक के भाई एक एक चाय बनती है, फिर निकलेंगे यहाँ से घर के लिए, फिर कहीं नहीं रुकेंगे, सीधा घर जाएंगे पक्का। तो चलो खंडेलवाल पहुंचते हैं, और शायद से धर्मेंद्र भी आ गए हैं। हाँ लाइटें देखना स्टार्ट हो गई भाई, आ गए धर्मेंद्र भी आ गए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ धर्मेंद्र भी आ जाओ, वेलकम टू खंडेलवाल रेस्टोरेंट। तो ये लो जी आ चुका है अपना खंडेलवाल रेस्टोरेंट, और यहाँ बैठ के पियेंगे भाई एक एक चाय, फिर निकलते सीधा घर के लिए। अब आप सोच रहे होगे कि आत्मा कौन बैठ गई है, भाई आत्मा नहीं अंकित है, तो मैं थोड़ा टायर्ड हो चुका था और इसका मन भी था बाइक चलाने के लिए, तो मैं पीछे बैठ गया हूँ वैसा पिलियन की तरह, और बाइक दे दिया भाई अपनी ब्रेक मोस्टर अपने आत्मा के हाथ में। तो आत्मा जी आराम से चलाना, प्यार से चलाना, अपनी आशीर्वाद अपना बनाए रखना, काला जादू मत करना। जस्ट जोकिंग गाइस, जस्ट जोकिंग, मैं थक चुका था और इसका मन भी था बाइक चलाने के लिए, तो चल भाई कोई बात नहीं चला। और मतलब ये पिलियन राइडर का भी ये भी एक फ़ायदा होता है, बट हाँ कोई डाउट नहीं कि लॉन्ग राइड पे पिलियन और राइडर दोनों को ही थोड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक तो बाइक पिकअप नहीं बना पाती, ऊपर से हर चीज़ में प्रॉब्लम आती है। तो कोई बात नहीं है जी, अब अंकित जी ड्राइव राइड कर रहे हैं हमारे, अंकित प्राइवेट लिमिटेड जी, आराम से चलाइए, हमें अनलिमिटेड नहीं होना है, हमें लिमिटेड में ही रहना है। ओहो अंकित भैया कैसे काट रहे हैं आप, अंकित भैया ज़रा हैवी ड्राइवर है भाई, नाइस अंकित भैया नाइस, कीप इट अप। सो भाई फाइनली अभी अपन पहुंच चुके हैं घर, बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी, जस्ट अभी नहा के बाहर आया हूँ, और थकान तो खैर अभी भी हो रही है। तो भाई अभी बेड पे आके ना बस मन कर रहा है सो जाऊँ, फुल ऑन थकान हो रखी, क्योंकि 2 दिन से सिर्फ 2 घंटे सोया हूँ। कल बहुत बिजी शेड्यूल था, आपको पता ही था, सुबह राइड पे गई थी, उसके बाद शॉप फैक्ट्री पापा के साथ बैठना पड़ता है, तो पूरा दिन वहाँ रहता हूँ। शाम को आया 7 बजे, तुरंत गया जिम, वहाँ से 8:30 बजे वापस आया, नहा धो के 9 बजे व्लॉग बनाया, 10 बजे तक वो व्लॉग कंप्लीट हुआ था, 10:30 बजे तक। देन उसके बाद मैं एडिटिंग पे लग गया था, रात को 3 बजे तक एडिट करके व्लॉग अपलोड करके सोया था, और सुबह फिर से आज 5 बजे उठ के नहा धो के फिर निकल गए थे। तो भाई अब ना मन कर रहा है कि बस सो जाऊँ, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है,
तो होप करता हूँ यह व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो भी मेरे इस चैनल पर नया है ना भाई, प्लीज़ सपोर्ट करो अपने भाई को, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि जब भी मेरी कोई न्यू वीडियोज़ आया करेगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ठीक है जी, तब तक के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।